नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आराम एजुकेशन इम्पावरिंग एक्सपीरेंट्स देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कल जहाँ से खत्म किया था आजीविका का जो पोर्शन है वो आज से स्टार्ट करेंगे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें से दो तीन सवाल जो है वो पिछले पेपर में आए हुए हैं करके मैं पिछले जो क्लास में है उसमें तीन से चार क्वेश्चन आप लोग को कवर करवाया था ठीक है तो आज के वीडियो में हम लोग खादी और ग्रामोद्योग का संरचनात्मक ढांचा जो होता है ठीक है उसमें उसका मुख्यालय कहाँ है आंचलिक कार्यालय कहाँ है, है ना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग आज के वीडियो में उसके अलावा देखेंगे कि उसका काम क्या होता है उसको कार्यान्वयन की एजेंसी क्या होती है और उसके बाद हम लोग जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो योजना चला रही है उसमें से एक योजना क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एम पी ई जी पी इसको बोलते हैं तो वो वाला जो योजना है उसको हम लोग कवर करेंगे ये जो ग्रामोद्योग वाला आपका पार्ट है वो बड़ा पार्ट पोर्शन है ठीक है आजीविका में कोई भी पोर्शन जो है वो शॉर्ट में पढ़ा के नहीं निकाला जा सकता थोड़ा सा लंबा पोर्शन है ये तो और हमारे पास समय भी है तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में हर चीज़ें बता देना चाहता हूँ तो भले तीन से चार पार्ट लगे वीडियो में चार पार्ट लगेगा लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं कि आपको कहीं और से मत पढ़ना पड़े इसके कारण क्या करता जा रहा हूँ तो हर बार ये सोचता हूं हर वीडियो में कि इसको ये हो जाएगा इतने में करके लेकिन चीज़ें मिलती जाती है तो मुझे जस्टिफिक मतलब मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कि आप लोग को इतना पढ़ा के छोड़ दूं ठीक है फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर अधूरा छोड़ने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ मैं टीचिंग से जस्टिस नहीं कर रहा हूं ऐसा मुझे महसूस होता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं जितनी भी चीजें मिल रही हैं मुझे और वो इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको एक साथ बता दे रहा हूं ताकि आपको कहीं और जगह जा से इकट्ठा ना करना पड़े डाटा पूरी तरीके से आपको इस क्लास से हर क्वेश्चन आपका बन जाए ठीक है तो मैं आप लोग के लिए एफर्ट डाल रहा हूं तो आप लोग को भी क्या करना है आप लोग को अच्छे से पता है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और ज्यादा और कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग को जो वीडियो है वो कैसा लगा ठीक है तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसका हम लोग लगभग 60-50 परसेंट पचास साठ परसेंट हिस्सा खत्म कर चुके हैं 30-40 परसेंट हिस्सा जो बचा संरचनात्मक ढांचा संगठनात्मक ढांचा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका तो इसका मुख्यालय जो है खादी व ग्रामोद्योग आयोग का मुंबई में है मुख्यालय ठीक है और आंचलिक कार्यालय छह जगह आंचलिक कार्यालय है रीजनल जो इसका कार्यालय है ठीक है वो कहाँ है छह जगह है मुख्यालय याद रखना ना नई दिल्ली में आंचलिक कार्यालय कहाँ कहाँ छह जगह नई दिल्ली भोपाल कोलकाता बेंगलुरु ठीक है और कहाँ है मुंबई और गुवाहाटी ये छह जगह जो है इसका आंचलिक कार्यालय है उसके बाद राज्य और मंडल कार्यालय स्टेट में जो कार्यालय है वो कहा है छत्तीस जगह है अब ये छत्तीस जगह का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है आपको ठीक है तो अट्ठाईस तो वही होगा एक और, और बाकी फिर एक्स्ट्रा जो होगा वो बाकी मतलब एक स्टेट में कई ठो स्टेट में दो ठो भी है तो मंडल कार्यालय छत्तीस जगह है विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्र कितना ठो है अड़तीस है इसका ठीक है तो इस नंबर को याद रखना आंचलिक कार्यालय कितना है राज्य मंडली कार्यालय कितना है ठीक है विभागीय गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्र कितना के है ये सब चीजें या याद रखना ठीक है इसके बाद इसका जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वो क्या करता है ये जो और क्या कर रहा है स्ट्रक्चरल में क्या देखते हैं स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे विपणन के मामले में बारह विभागीय और देश के विभिन्न भागों में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों के माध्यम से बाजार संवर्धन का कार्य कर रहा है ठीक है ये क्या कर रहा है ठो विभागीय और देश के विभिन्न इसमें इसमें खादी ग्रामोद्योग भवन है इसमें विभागीय भवन है और ठो एक तो ठो विभाग है और देश के अलग अलग भाग में खादी ग्रामोद्योग भवन है तो उसमें क्या है उसके अलग अलग भाग में खादी ग्रामोद्योग भवन है उसके माध्यम से क्या कर रहा है ये बाजार को के संवर्धन एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बाजार संवर्धन और कार्य करने की कार्य कर रहा है ये ठीक है इसके बाद इसके अंतर्गत सात हजार पचास संस्थाए हैं ये आंकड़ा है इसको समझाने वाला कुछ है नहीं ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा तो सात संस्था है और बिक्री केंद्र है देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा खाद्य एवं उद्योग आयोग के अंतर्गत कितनी संस्थाएं और बिक्री केंद्र देश में अभी स्थित है वर्तमान में तो इस तरीके से इसमें सवाल आएगा तो ये आपको पढ़ने पढ़, पढ़ के रखना है अपने छह संयंत्रों के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग खादी संस्थाओं को उच्च कोटि का कच्चा माल आपूर्ति कर रहा है यह काम क्या है इसका पिछले वीडियो में मैं बताया था अभी और बताऊंगा तो ये कच्चे माल की आपूर्ति करना भी इसके बाकी कामों में शामिल है तो यह क्या कर रहा है कच्चे माल की आपूर्ति किसके कर छह इसका प्लांट है छो जिसके माध्यम से खादी संस्थाओं को जो रूरल क्षेत्र में खादी छोटे छोटे खादी ग्रामोद्योग हैं या खादी संस्था है उनको यह क्या कर रहा है वितरण कर रहा है किसका कच्चा माल का आपूर्ति कर रहा है ठीक समझ गए आप लोग तो ये है आपका कार्यकलाप देख लेते हैं इसका खादी एवं ग्रामोद्योग का कार्यकलाप क्या है कार्य क्या क्या है तो मैं यहां पर लिखा नहीं हूं आप लोग को लिख के बता रहा हूं एक एक चीज को अगर लिखता रहा तो एक ही टॉपिक में पूरा बोर्ड भर जाएगा इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं कुछ चीजों को आपको जो बोल के बताने वाली चीजें कॉमन चीजें हैं बहुत अलग नहीं है आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेंगे ठीक है ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें कार्यकलाप में देखो पहला कार्य क्या है प्रशिक्षण देना ठीक है तो छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग बोर्ड बताया था उसका भी काम तो यही है दूसरा क्या है ठीक है प्रशिक्षण देना पहला काम दूसरा हाथ कते सूत है ना लिखना हाथ कते सूत मतलब सूत से जो हाथ काट हाथ से जो सूत काटते हैं ना तो हाथ कते सूत अथवा खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादन में लगे अथवा लगने वाले व्यक्तियों को जिस दर पर आयोग निर्धारित करे कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति करना कच्चे माल और उपकरण जो है उसकी आपूर्ति करना इसका काम है तो ऐसे लोग जो खाद्य उत्पादन में लगे हैं ग्रामोद्योग जिस दर पर आयोग कर रही, खादी को डिस्ट्रीब्यूशन करना।, करना कच्चे माल का और उपकरण का जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लग रहा है उसका तो रिवाइंड करके पूरा नोट कर लेना है इसको ठीक है तीसरा कार्यकलाप के अंदर तीसरा लिखिए कच्चे माल का प्रसंस्करण प्रोत्साहन और सहयोग ठीक है कच्चे माल को कच्चे माल को निकालना उसके बाद उसका उसको उसको सहयोग करना कच्चे माल को पहुंचाना ये तो कच्चे माल का प्रसंस्करण प्रोत्साहन एवं सहयोग चौथा ग्रामोद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ग्रामोद्योग को जो फाइनेंशियल देती है जैसे कि ग्रामोद्योग को स्टार्ट करना है तो जो पैसा प्रोवाइड कराएगी करा जो वित्त प्रोवाइड कराएगी वही खाद्य ग्रामोद्योग आयोग प्रोवाइड कराएगा तो ग्रामोद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना पांचवा अनुसंधान में तेजी लाना ऐसे कोई चीजें इन्वेंट करना ऐसे मशीन इन्वेंट करना ऐसे कोई प्रोग्राम इन्वेंट करना जिससे प्रोग्राम चलाना जिससे ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिले हमारे देश में और लोग क्या करें स्वरोजगार की ओर प्रेरित हों, ठीक है लोग क्या पिछले वीडियो में बताया था लोग रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने और ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं अपने पारंपरिक हस्तशिल्प जो उनकी कौशल रहता है उसको क्या कर देते हैं वो लोग भूल जाते हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं वो लो लोग अगर किसी इंसान के पास कोई स्किल है कोई टैलेंट है हर व्यक्ति याद रखिए अपने आप में अद्वितीय होता है उसके पास क्या होते हैं हर व्यक्ति के पास पूरे जितने भी लोग हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर भी किसी में पेंटिंग का टैलेंट है किसी में सिंगिंग का टैलेंट है किसी में डांसिंग का टैलेंट है किसी में राइटिंग का टैलेंट है किसी में स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट है चेस है अलग अलग स्पोर्ट्स में किसी का टैलेंट है वो टैलेंट को खोजना दुनिया में सबसे बड़ी खोज है खुद को खोज लेना दुनिया में सबसे बड़ी खोज होती है और अगर आपके पास कोई टैलेंट है और उसको लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप दुनिया में लोगों से दूसरे लोगों से बेहतर करेंगे और अंदर से भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे और अंदर से भी आप खुश रहेंगे ठीक है तो इस चीजों को ध्यान दीजिए लोग बहुत से लोग अंदर टैलेंट होता है पहले तो खुद ही नहीं पहचान पाते कि उनके अंदर क्या टैलेंट है तो इसीलिए किसी नॉवेल में पढ़ा था कि अपने स्वयं को खोजना सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होती है तो अपने आप को खोजिए अपने टैलेंट को खोजिए तो इस टैलेंट को ये उद्योग मारना नहीं चाह रहा है ये आयोग सीधा सीधा तरीके से इस तरीके से आप समझ सकते हैं देखो वो जो टैलेंट है आपके अंदर वो जो कौशल है आपके अंदर उसमें आप खुद उसमें काम करें उसमें अपने गाँव को छोड़ के ना जाए वो पारंपरिक हस्तशिल्प समाप्त न हो जिससे देश की संस्कृति और देश की परंपराएं बनी रहें इनके माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है ठीक है मोटा मोटा एक हिसाब से ये तो जो बोल रहा हूं ना उसको याद रखो ये शब्दों में तो आप

सातवां पॉइंट सहकारिता को बढ़ावा देना सहकारिता का मतलब तीन चार बार समझा चुका हूं मैं ठीक फिर से नहीं समझा रहा हूं सहकारिता को बढ़ावा देना आठवा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की विश्वसनीयता और वास्तविकता को सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र जारी करना अच्छा ये देखो ये पॉइंट देखो खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विश्वसनीयता और वास्तविकता को सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र जारी करना देखिए खादी और ग्रामोद्योग में कुछ बनाए जैसे कि खादी बना रहे हैं आप और बोल रहे हैं कि यह प्योर खादी है तो उसको प्रमाण पत्र जारी करने का काम ये आयोग करता है कि हाँ ये ऑथोराइज है ये गलत नहीं है जो आपको दावा किया जा रहा है वो सही है ठीक है जैसे कि आप देखिए सोने चांदी में क्या हॉलमार्क जारी किया जाता है हॉलमार्क मतलब ऑथराइज है कि वो सोना जो है वो खरा है वो सोना जो है वो अच्छा है वैसी आप देखिए होंगे प्रोडक्ट्स में भी जारी किया जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे कि जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कौन सा मार्क जारी किया जाता है जिससे पता चलता है कि ये फूड प्रोडक्ट जेनविन फूड प्रोडक्ट है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सर्च करके बताएंगे मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखिए मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है तो वो बताना आप लोग तो उसी तरीके से कोई खाद ग्रामोद्योग के माध्यम से कोई चीज बन रही है कोई चीजें उत्पाद प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन कौन से उत्पाद प्रोड्यूस हो रहे हैं कल के वीडियो में फोटो दिखा के बताया था हमें तो वो सब चीजों को ये मार्क प्रोवाइड करता है कि ये जो है वो ऑथेंटिक है ठीक समझ के एकदम क्लियर तो आठ पॉइंट बताया हूँ कार्यकलाप में ये सब काम है इसके इसको पूछा जा सकता है कि खादे खादी एवं ग्रामोद्योग के कामों में निम्न में से क्या कार्यकलाप नहीं है इस तरीके से पूछा जा सकता है तो ये कार्यकलाप को आप लोग जो बताए हैं उसको नोट कर लेना अब कार्यान्वयन एजेंसी क्रियान्वयन एजेंसी ठीक है इसको क्रियान्वयन करने का इंप्लीमेंटेशन बॉडी इंप्लीमेंटेशन काम इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है तो देखो कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है संघ शासित प्रदेश में और राज्य में संघ शासित प्रदेश और राज्य में तैतीस खाद्य ग्राम खादी ग्राम मंडल बनाए गए हैं कितने ठो तैतीस दोनों मिला के कितने ग्राम मंडल बनाए गए खादी ग्राम उद्योग मंडल तैतीस हो जो क्रियान्वयन करते हैं इस, इस इसका इस योजना इसके का इसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का पंजीकृत संस्था ऑथराइज संस्था कितने हैं पंजीकृत जो जो कि पंजीकृत हो चुके हैं वो संस्था पाँच हज़ार पंजीकृत संस्था है खादी एवं ग्रामोद्योग माध्यम से सहकारी समिति तथा बैंक कितने हैं तीस सहकारी समिति और बैंक है तीस ठीक है तो खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान नहीं की जाती देखो अब ये क्या बता रहा हूं मैं तो ये आंकड़ा लोग को ध्यान रखना और खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो कार्यक्रम बनाता है जो योजना बनाता है उसके तहत क्या क्या चीजों को ये स्पॉन्सर नहीं करता मतलब किस किस चीज के लिए फंड प्रोवाइड नहीं करता इसके रूल्स है भाई किसके लिए प्रोवाइड करना है किसके लिए प्रोवाइड नहीं करना है किसको बढ़ावा देना है देश में किसको बढ़ावा नहीं देना है तो जो मानव समाज के लिए हितकारी नहीं है लाभकारी नहीं है और जो गांधी जी के विचारों के को समर्थन नहीं देता जो गांधी जी के विचारों को विपरीत है विरुद्ध है उसको ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो नकार देता है उसके लिए फंड प्रोवाइड नहीं करता गांधी जी को सेंटर में क्यों रखा गया है ये मैं आपको कई बार से बताते आ रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की जो पहली बार सपना देखा था जो प्रयास किया गया था और जो स्वदेशी का आंदोलन चलाया था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था कब आंदोलन चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन उन्नीस पांच में जब बंगाल विभाजन हुआ तब उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो उस समय क्या हुआ था गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और खादी को बढ़ावा देने के लिए देखे होंगे आप चरखा चरखा चलाते थे गांधी जी सूत का है ना वो काम करते थे तो खादी को बढ़ावा देने का काम किया था तो उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग काम करता है तो किस चीज चीज के लिए सहायता प्रदान नहीं करता यह बहुत इंपॉर्टेंट है

उद्योग करना चाह रहे हैं उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा खाद्य ग्राम उद्योग आयोग दूसरा मादक पदार्थों का उत्पादन और विनिर्माण मादक पदार्थ मतलब शराब सिगरेट ये सब जो है वो मादक नशे वाला पदार्थ नशे का पदार्थ जो है उसका उत्पादन करने को सपोर्ट नहीं करता है वैसा आप उद्योग नहीं लगा सकते इसके माध्यम से और विनिर्माण को सपोर्ट नहीं करता है ठीक है निर्माण और विनिर्माण में अंतर मैं आप समझाया था आपको जब मैं बता रहा था ना तो निर्माण क्या होता है और विनिर्माण क्या होता है ठीक है मैं बताया था आपको वहां पर जाके देख लीजिएगा बीड़ी पान सिगरेट सिगार होटल इन सब चीजों और मदिरा ठीक है मतलब अब देखो क्या बोल रहा हूं बीड़ी पान सिगरेट सिगार यह सबको सपोर्ट नहीं करता इससे संबंधित उद्योगों को सपोर्ट नहीं करता और ऐसे होटल जहां पर मदिरा का वितरण किया जाता है मतलब शराब पिया जाता है बार होटल में जो बार रहता है ना उसको सपोर्ट नहीं करता है ये तो उस तरीके से आप उद्योग अगर एक स्थापित करना चाहते हैं तो उसको क्या करेगा खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग सपोर्ट नहीं करेगा ठीक तंबाकू उत्पादन ये तो बता ही दिया विनिर्माण और ताड़ी का एकत्रण एक एकत्रीकरण एक, एक ठीक है एकत्रण ताड़ी ताड़ी भी एक तरीके का जो होता है जनजाति समाज में प्रचलित है ये ताड़ी जो है मेरे ख्याल से बैगा जनजाति का ये प्री पे है पेय पदार्थ है ये छिंद पत्ते के उससे निकाला जाता है पेड़ से निकाला जाता है ताड़ी ये मादक होता है मतलब कि नशीला होता है तो इससे संबंधित कोई आप उद्योग करना चाहते हैं उद्योग धंधा तो फिर ये पर ये सपोर्ट नहीं करेगा अब पॉलीथीन निर्माण के लिए आप अगर कहीं देखो बीस माइक्रॉन से आ, कम का अगर कोई पॉलीथीन है तो वो जो है वो बैंड है ठीक है क्योंकि पॉलीथीन क्या होता है मैं आपको बताया था जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चला रहा था मैं, मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो 20 माइक्रोन से नीचे का जो पॉलीथीन है वो डिकम्पोज नहीं होता है वो भूमि की आप फेंक दोगे उसको जलाओगे तो भी डिकम्पोज नहीं होता है भूमि की उर्वरकता क्षमता को वो नाश कर देता है वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता उसको नष्ट नहीं किया जा सकता इसलिए वो एक जुलाई से अभी बैन होने वाला है देखो पॉलीथीन जो है वो एक जुलाई अभी वर्तमान में आने के बाद बैन हो जाएगा वो अभी अभी भी खैर बैंड है लेकिन उसको फिर से लागू कर रहे हैं अच्छे तरीके से इसको करंट अफेयर्स वाला जब पढ़ाया था ना तो बताया था करंट अफेयर्स वाला जाके देखना आप लोग वीडियो ठीक है तो एक जुलाई से उसको बैन करने वाला है शायद कोई पेपर में आया भी था इसको कब से बैन कर रहा है पॉलीथीन पौ, पौ, को करके ठीक है तो यहाँ पर 20 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन निर्माण के लिए आप अगर कोई ग्रामोद्योग लगाना चाहते हैं तो उसको जो है वो ये आयोग जो है खाद्यव ग्रामोद्योग आयोग सपोर्ट नहीं करेगा उसके लिए फंड प्रोवाइड नहीं करेगा उसके लिए कच्चा माल प्रोवाइड नहीं करेगा ठीक तो ये क्या क्या प्रोवाइड नहीं करता है किसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है, है फाइनेंस प्रोवाइड करता है कच्चा माल प्रोवाइड करता है रोजगार प्रोवाइड करता है किसको अनुसंधान के लिए प्रोवाइड करता है ठीक है किसको पब्लिक को जो ग्रामोद्योग स्थापित करना चाहते हैं उसको लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग को कौन बजट प्रोवाइड करता है इसको पैसा कौन देता है तो भारत सरकार का सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय इसको क्या करता है वित्त प्रोवाइड करता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको बजट देने का काम कौन करता है भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय ठीक है दूसरा यह निधियां इसको जो पैसा मिलता है अनुदान के रूप में दी जाती है अनुदान और ऋण में क्या अंतर है अनुदान और ऋण में क्या अंतर है ऋण आपको वापस करना पड़ता है अनुदान छूट होता है वापस नहीं करना पड़ता है तो अनुदान के रूप में दी जाती है मतलब उस पर ब्याज वगैरह नहीं लगता है ठीक है ऋण पे ब्याज लगता है और खादी ग्रामोद्योग आयोग इसे क्रियान्वयी अभिकरणों जैसे कि इसका बॉडी होता है इंप्लीमेंटेशन बॉडी होता है उसके माध्यम से इसको चलाता है जैसे कि क्या खाद राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड देखो हर राज्य में एक तो राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है मैं पढ़ा चुका हूं आपको छत्तीसगढ़ राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तो उसी तरीके से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्या करता है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम एटीन कब इसका पंजीकरण हुआ था ध्यान रखना एटीन के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है ना जैसे कि राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किसके तहत पंजीकृत संस्था है तो वो जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो जो पंजीकृत संस्था है उसके माध्यम से राज्य सरकार के पंजीकृत संस्था के माध्यम से और सहकारी समितियों और व्यक्तिक है ना व्यक्तिक मतलब इंडिविजुअल तो और व्यक्तिक उद्यमियों इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमियों को पुनः आवंटित करता है मतलब क्या करता है और चलाने के बाद क्या करता है इनके माध्यम से सहकारी समिति बैंक और व्यक्तिक उद्यमियों को ये क्या करता है पुनः आवंटित करता है मतलब अगर दोबारा फंड का जरूरत पड़ा तो फिर उसको देता है ठीक तो ये आपका पूरा ये हो गया इनको बजट सहायता ठीक और क्या करता है प्रशासनिक व्यय में पेंशन भुगतान भी शामिल है अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में क्या है इसको पेंशन देने का काम भी इसी बजट के अंतर्गत आ जाता है दो सहकारी पर प्रावधान से पूरा किया जाता है सहकारी का बजट जो है उससे क्या किया जाता है पूरा किया जाता है तो पेंशन भी इसमें इंक्लूडेड है सीधा सीधा मतलब ये है इसका ठीक है तो ये हो गया आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में बची सहायता तो अब जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को मैं आपको डिटेल में बताया हूं क्योंकि इससे तीन तीन क्वेश्चन क्वेश्चन आया लगभग दो पूछा था पिछले वाले वीडियो में बताया था तो खादी एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो है खादी एवं ग्रामोद्योग कई सारी योजनाएं चला रही है उन्हीं योजनाओं के माध्यम से तो ये सब प्रोवाइड किया जाता है जो कार्यकलाप आपको बताया रोजगार प्रोवाइड करना है अनुसंधान प्रोवाइड करना है कच्चा माल प्रोवाइड करना है उन्हीं सब योजनाओं के माध्यम से यह क्या चलाती है योजनाएं ती है टाइम टाइम पे और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से वो क्या करती है सब चीजों को प्रोवाइड करती है जो ग्रामीण उद्यमी है उन लोग को ठीक है तो अब उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है अब इसके तहत सात आठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो अब उस सात आठों सातों आठों कार्यक्रम को पढ़ने का जरूरत नहीं है लेकिन दो तीन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ नहीं तो ग्रामोद्योग आयोग इतनी दो तीन क्लास खींच जाएगा उसका कोई उसमें मेरे को लगता नहीं कि वो आएगा वो रिलिवेंट नहीं है लेकिन आप लोग फिर भी बोलेंगे तो मैं सब कार्यक्रम को इतने इतना ही डिटेल डिटेल सब कार्यक्रम है ये बड़ा बड़ा जितना खादी ग्रामोद्योग है ना उतना बड़ा बड़ा क्रियान्वयन बॉडी कौन है फिर उसके लिए वित्त कौन प्रोवाइड करता है फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फिर उसका काम फिर उसका उद्देश्य सबका बहुत बड़ा बड़ा है इतना रिलीवेंट नहीं है पढ़ना ठीक है उसको जरूरत नहीं है उतना जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ते जाओ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसकी पहली योजना है जो खादी खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा चलाई जा रही है यह इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ा रहा हूं मैं ठीक इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तो मंत्रालय द्वारा दो क्रेडिट योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें देखो पहले क्या किया जा रहा था मंत्रालय के द्वारा दो क्रेडिट योजना चलाया जा रहा था कौन कौन सा योजना चलाया जा रहा था तो पहला योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया जा रहा था जो अक्टूबर 1993 से चालू हुआ था और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा था जो अप्रैल से चालू हुआ था तो योजनाओं को, को विलय करके, कर, करके प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया कब शुरुआत किया गया अगस्त दो हजार में शुरुआत किया गया था इसका तो अगर आपको पूछेगा कि प्रधानमंत्री रोज कैसा क्वेश्चन आएगा मंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किन दो योजनाओं को मिलाकर की गई थी है ना तो ये दो योजनाएं जो हैं वो 93 और 95 से चल रही थी इनको मिलाकर क्या किया गया था अगस्त 2008 हजार में इंट्रोड्यूस किया गया प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है मैं बताऊंगा आपको ठीक तो अब ये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दो से बारह में इसका लक्ष्य क्या था देखो वी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2007 से 12 और ये लॉन्च कब हुआ 2008 हजार में लॉन्च हुआ तो 2008 में लॉन्च जब हुआ तो 7 से 12 तक पांच वर्ष की पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो बचा कितना चार वर्ष ही बचा क्योंकि सात में ये लॉन्च हुआ था तो आठ के बाद कितना चार साल बचा तो बचे हुए चार साल में सैंतीस लाख सैंतीस परिवारों को अतिरिक्त रोजगार का देना अतिरिक्त रोजगार सृजन करना वो लोग के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट करना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था कितना सैंतीस लाख सैंतीस परिवारों को थर्टी सेवन पॉइंट फैमिली को अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना एक्स्ट्रा रोजगार देना जितने रोजगार हैं उससे उद्देश्य क्या था इसका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का पहला ग्रामीण और शहरी रोजगार देना इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार देना दूसरा दूर दूर स्थित परंपरागत कारीगरों ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के साथ साथ को साथ साथ लाना देखो दूर दूर स्थित परंपरागत कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों युवाओं को साथ साथ लाना देखो इन सब को देखो दूर दूर में स्थित क्या है देखो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कोई एक हस्त जैसे कि बस्तर में घड़वा का प्रचलित है मानिक घड़वा उसके प्रमुख जो है उस उस कला के जो एक्सपर्ट माने जाते हैं मणिक घड़वा तो जैसे कि घड़वा सिल्प कला और शिल्प कला और भी पारंपरिक रजवार भित्ती शिल्पकला मिट्टी शिल्पकला बाँस कला, कला बहुत सारी शिल्प कला प्रचलित है तो मान लो जाए रजवार घड़वा कला को ले लेते हैं बस्तर में प्रचलित है अब बस्तर से लगा हुआ क्या है नीचे आंध्र प्रदेश भी है इधर क्या है उड़ीसा भी है इधर क्या है, है ना उड़ीसा भी है झारखंड भी है तो अगर कहीं बस्तर से सटे हुए जगह में जैसे कि आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्से में अगर कहीं घड़वा कला प्रचलित है तो वो लोग भी बहुत एक्सपर्ट हैं आंध्र प्रदेश वाले भी हमारे यहाँ भी अगर एक्सपर्ट हैं तो दोनों को मिला कर क्या कर देना दोनों अगर एक साथ कोलेबरेट कौ, कौ, कर लेंगे टाइप कर लेंगे तो वो लोग दोनों क्या कर सकते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट कोई किसी में माहिर होगा कोई किसी में माहिर होगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और साथ आने से क्या होगा रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं पार्टनरशिप मतलब तो वो लोगों को क्या करना एक साथ लाना एक जगह पर लाना इसका उद्देश्य था दूर दूर स्थित परंपरागत कारीगरों ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं ठीक है उनको क्या करना साथ साथ लाना बेरोजगारों को भी साथ साथ लाना और साथ साथ लाना वह स्वरोजगार उपलब्ध कराना अब दोनों को एक साथ लाके अब जैसे कि बस्तर में स्थित गढ़वा शिल्प कला है लेकिन का एक व्यक्ति है जो गढ़वा शिल्प कला बहुत अच्छे तरीके से जानता है लेकिन उसके पास फंड नहीं है ठीक है तो उसको पैसे की जरूरत है अब उसके बाद आसपास के छोटे छोटे स्टेट वाला जो है वो आ गया अब दोनों मिलकर पचास पचास हजार रुपये इकट्ठा कर लिए अब एक इंडस्ट्री डाल दिए छोटा सा प्लांट टाइप का मतलब छोटा सा उद्योग टाइप का उसमें वो लोग गढ़वा शिल्प कला से संबंधित जो भी चीजें अगर कहीं बनानी है वो लोग बना रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सपोर्ट मिल जाता है रिस्क फैक्टर कम हो जाता है पार्टनरशिप से तो वो लोग को एक साथ लाना वैसे बेरोजगार शहरी और ग्रामीण बेरोजगार अगर एक साथ आ रहे हैं तो मिलकर तैयारी करके कुछ अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके कुछ स्किल सीख सकें तो इस तरीके की कार्यक्रम यहां पर चलाया जा रहा था यह उसका उद्देश्य रहता था ठीक है एक साथ लाकर क्या करना उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना उद्यमी बनाना रोजगार जनरेट करने वाला बनाना और तीसरा उद्देश्य क्या था कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता को बढ़ाना यहां पर लिख लेना बढ़ाना इंक्रीज करना कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता को बढ़ाना पारिश्रमिक अर्जन क्षमता मतलब उनका जो जितना अर्जित हो रहा है उनको उनको जितना पैसा मिल रहा है उसके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाना इन द सेंस अगर अपने इंग्लिश में समझे तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाना आवक को बढ़ाना आजीविका को बढ़ाना ठीक ये इसका काम था अब इसमें थोड़ा सा चीज़ और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बचा है उसको लिख लेना ठीक है मैं आपको बताते जा रहा हूँ नोट करके लिखना थोड़ा मिटा ही देता हूँ इधर बाकी आप लोग रिवाइंड करके तो आप लोग पढ़ ही लेंगे इसको ठीक है ना थोड़ा सा मिटा देता हूं इस साइड मिटाऊ यहां पर मिटा रहा हूं देखो नोट करके लिखना ठीक है दो तीन फैक्ट है उसको नोट कर लेना तो ये योजना जो है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उसके तहत क्या किया जा रहा है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत 25 लाख रुपए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत है ना परियोजना इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत पूरा लिखना ना आप लोग विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत 25 लाख रुपए मतलब 25 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड कराएगा अगर विनिर्माण क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र में कौन सा आते हैं ठीक है विनिर्माण क्षेत्र बताया था है ना मैं सबसे पहले जब बताया था तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बताया था निर्माण विनिर्माण व द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो विनिर्माण के अंतर्गत मैक्सिमम कितना पच्चीस लाख रुपए का फंड क्या करेगा प्रोवाइड कराएगा विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा ये पहला पॉइंट दूसरा अगर व्यवसाय बिजनेस या सेवा क्षेत्र है अगर सेवा क्षेत्र मतलब टर्सरी क्षेत्र होटल है बस है फ्लाइट है और कोई और ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तीसरा जो सेवा प्रदायित करते हैं आपको तो इस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना इकाई का अधिकतम लागत दस लाख रुपए प्रोवाइड कराएगा अगर इस क्षेत्र से संबंधित कोई आप लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं व्यवसाय या सेवा से संबंधित तो दस लाख रुपए विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित तो पच्चीस लाख रुपए और कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी कुल परियोजना लागत की शेष राशि मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी मतलब इसको आपको वापस करना पड़ेगा यह जो राशि प्रोवाइड कराएगा अनुदान के रूप में बाकी राशि को अनुदान कुछ राशि अनुदान के रूप में प्रोवाइड कराएगा और कुछ राशि मियादी ऋण मतलब ये इस पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा ब्याज के रूप में आपको रिफंड करना पड़ेगा अब कितना परसेंट को अनुदान देता है कितना परसेंट ब्याज दो तो टेबल के फॉर्म में बताऊंगा आपको आगे ये बचा हुआ है अभी तो ये तीन पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इसको पूछ सकता है विमान क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि उपलब्ध कराएगा इसके अंतर्गत कितनी और इसके अंतर्गत कितनी उपलब्ध कराएगा तो ये तीन पॉइंट को आप लोग को अच्छे से नोट करके रखना है ठीक है तो आज की क्लास को एंड करते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग तो इसका दो पार्ट लगभग और आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है ठीक है तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ध्यान से पढ़ना और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मजाक में मत लेना इसको ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम